हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं इसके मुस्तकीम। आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हावड़ा बर्ड लवर्स एंड ब्रीडर्स। तो फ्रेंड्स, आप में से जो मेरे इस चैनल पर नए हो, अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि मैं दूसरा कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैंने अपना बर्ड को उसका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर चुका हूँ। देखिए मेरा सब बर्ड्स एक साथ कितना शौक से खा रहे हैं। देखिए इधर मेरे ग्रे पैरोट, ये मेल है, और ग्रे पैरोट को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है वो पामनाट। अब पामनाट वो बहुत शौक से खाते हैं। देखिए और एक ग्रे, वो भी अपना पैरों से पामनाट उठा के मज़े से खा रहे हैं। और एक बात, मैं कुछ दिन पहले एक रेड ग्रीन मैकाओ लिया था, जो मैं फीमेल सोच के लिया था, बट फाइनली वो तो मेल ही था। रिपोर्ट मेरे पास मेल ही आया, तो उसके लिए मैं क्या किया, वो वाला वापस कर दिया, मतलब जिसका बर्ड्स उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद क्या है, मेरे हल्ले के मखाव थोड़ा एग्रेसिव हो गया। इसको छोड़ने से दूसरा छोटा बर्ड्स को मारता है, इसलिए उसका अभी हम थोड़ा प्रिजन में रख दिया, मतलब कैद करके रखा है। देखिए उधर से भी वो कितना गुस्सा हो रहा। अभी उसको छोड़ने से क्या होगा, जितना मेरा छोटा बर्ड्स है सबको मार रहा, काट रहा, उसलिए और दूसरा बर्ड्स को नुकसान ना पहुँचे, मैं इसलिए उसको अलग करके रखा हूँ। मेरे ग्रेटर सल्फर काकाटो है, इसको भुट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है, और मूंगफली मतलब बादाम, ये बादाम बहुत शौक से खाते हैं। और ग्रे पैरट देखिए पामनाट को एकदम नोच नोच के खा रहा। उधर पे भी दोनों एकदम शौक से खा रहा पामनाट। इसको क्या, पामनाट मिलने से दूसरा खाना में मुंह ही नहीं देगा, पामनाट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो दूसरा खाना खाएगा। पहले वो पामनाट खाएगा, उसके बाद पामनाट ख़त्म हो जाने से नीचे आके इस सॉफ्टवुड में से जितना मूंगफली है, मतलब जितना चिना बादाम है, सबको एकदम एक एक करके उठा उठा के खा लेगा। अब इधर मैं पानी का व्यवस्था ऐसे करके करके रखा हूँ, ताकि धीरे धीरे पानी गिरता रह जाए, और मेरा बर्ड्स को अगर सावल लेना हो तो सावल ले। जाओ खाना खाओ, इधर क्या है, खाना खाओ। चलिए थोड़ा बर्ड ब्रीडिंग सेटअप का अंदर भी चलते हैं। ये सब मेरे प्लास्टिक का टुकड़ी को काट देगा। पहले मैं इसको थोड़ा पानी से भर दी, ताकि वो टुकड़ी काटने ना सके। चलिए बर्ड ब्रीडिंग सेटअप के अंदर चलते हैं, अब सब बने रहिए। देखिए जो सीलिंग से झूल रहा वो फीमेल है, और जो व्हिसल कर रहा वो मेल है, और कलर से तो आप सबकी सभी को पता चल रहा। ये मेरा एकदम 100% ब्रीडिंग पेयर है।
ये मेरा और एक ग्रे पैरट का पेयर है। देखिए सुबह सुबह इसको मैंने खाने में क्या दिया। गुआवा है, मेज है, तमनट है और इस है। अभी तो फ्रेंड्स मेरा पास नया कोई बार आया नहीं, तो इसलिए नया कुछ वीडियो हम डाल नहीं सक रहा। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जितना बार मैं दिखा रहा हूँ ऑलरेडी आप लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, मैं तो दूसरा का बार्ड्स का वीडियो नहीं बनाता और कहीं जाके भी वीडियो नहीं बनाता, तो मेरा पास जो है उसी का वीडियो बनाता हूँ। मैं अपना दिल से बनाता हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो भी अच्छा, नहीं अच्छा लगे तो भी अच्छा है, क्यों मेरा लिए तो ऑलवेज सब कुछ अच्छा ही है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट है बोल के आप लोग बार बार एक ही बार से एक ही रिपीट वीडियो देखते हैं। बहुत बंदा को अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्यों मेरा पास तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और दूसरा कोई बर्ड्स भी नहीं है जो मैं आप लोग को दिखा सकूँ, क्यों मेरा जो बर्ड्स है मैं उसी का वीडियो बनाता हूँ। आदर्श मैं किसी का बर्ड्स का या किसी का घर का जाके फोटोशूट मैं नहीं करता। एक्चुअली क्या है, मैं तो बर्ड्स शौक से पाला हूँ। आई एम नॉट ए बर्ड सेलर, इट इज़ माई हॉबी। तो क्या है, मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। तो यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा एक ही मकसद है, क्या वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं कुछ भी डाल के रख सकता हूँ। आप मान लीजिए आप कुछ वीडियो बना के आप अपना कंप्यूटर में रखिए, कोई चिप में रखिए, वो एक दिन प्रॉप्ट होगा, खराब हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी डाल दीजिए, 20 साल बाद भी आप घूमिएगा तो उसको मिल जाएगा। और जब YouTube वाले ने मेरे को हम सबको इतना अच्छा ऑफ़र दिया, तो हम लोग क्यों इसका फ़ायदा ना उठाए। मैं आप सभी से कहता हूँ, आप सब अपना अपना एक YouTube चैनल बना लीजिए। आप जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी, आप अपना वीडियो बना के YouTube चैनल में पोस्ट कर दीजिए, कोई देखे या ना देखे, इन फ्यूचर आपका वीडियो आप खुद देखिए। गोल्डी भी कितना शौक से पॉमलेट खा रहा, बट पॉमलेट इज़ नॉट गुड फॉर गोल्डी, क्योंकि गोल्डी को ज़्यादा हाई फैट नहीं चाहिए, लो फैट का ज़रूरत है। और पॉमलेट हुआ बहुत ही हाई फैट। ठीक है, इसका बाद मैं ध्यान रखूँगा ताकि गोल्डी को ज़्यादा पॉमलेट ना मिले। एक दो खाने से कुछ नहीं होगा, हफ्ता में एक बार दो बार खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये कंटिन्यू हो जाने से गोल्डी का शरीर में थोड़ा फैट हो जाएगा और फैट होने की वजह से उसका प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए मैं अपना हल्दीपुर मकाओ को थोड़ा रिलीज कर दूं, वो भी निकलने का इच्छा में है। अभी उसको बाहर नहीं निकलने से उसका साथ ज्यादती हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा जो पिंजरा है, केज है, उसका शान है ये हार्लेक्विन, और उसको अंदर रखने से होगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आओ आओ। आप देखिए, आप इसका गुस्सा देखिए, सबको मारेगा एकदम एक एक करके। मैं तो आगे भागता हूँ। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा खा लो तुम आगे। अब इधर दौड़ के आएगा कि उसका तो मेन खाना इधर है।
तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द मेरे पास और एक बड़ा चिड़िया आने वाला है। तो बड़ा मतलब मकाऊ आएगा, अब कौन सा आएगा आप लोग गेस कीजिए। हाँ, उसका कौन सा जात का आएगा वो आप कमेंट में बताइए, बट आने वाला है एकदम श्योर। बहुत ही जल्द मेरे पास एगो बड़ा चिड़िया आने वाला है, एगो या दो गो आ सकता है, बट कोशिश करूँगा एगो लेने का। क्यों, मेरे पास ऑलरेडी एक मेल है, एक फीमेल होने से मेरा काम हो जाएगा, और दो गो लेने से फिर मुझे बाद में एक तो हाल एक उनके लिए लेना होगा। ये तो ग्रे तब से पामनाट को पकड़ा है, अभी तक नहीं छोड़ रहा है। ये पूरा पामनाट का जो अंदर का जो बीची है ना, उसको पूरा तोड़ के उसका अंदर का सब मलाई निकाल लेगा। और ये तो मेरा सनकोनर है, नहा के देखिए एकदम भींग गया, भींग के कैसे एकदम कपकपा रहा। चलिए ये आ गया, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ फ्रेंड्स, मैं बहुत सा वीडियो में बोल चुका हूँ, बहुत सा ऐसा बंदा है जिसको बर्ड्स का बारे में कुछ पता नहीं, मतलब इंडियन बर्ड्स रखना कानूनन जुर्म है, ये सब पता नहीं, फिर भी मेरे को बार बार फ़ोन करता है, दादा चंदना है, मैना है, टिया है। तो प्लीज़ ये सब बात मत बोलिए, ये सब बात बोल के फ़ोन मत कीजिए। आपको एग्जोटिक बर्ड्स का बारे में कुछ भी जानना है, मतलब केयर के लिए, नॉट फॉर बाय एंड सेल, केयर के लिए कुछ भी जानना है, हमको जितना आता है हम आपसे शेयर करेंगे, अदरवाइज बाय एंड सेल के लिए आप मत फ़ोन कीजिए मेरे को। हाँ, और कोलकाता का कोई भी पर्सन कोई भी बर्ड्स लेना चाहते हो तो मेरे को फ़ोन मत कीजिए। कोलकाता में जो एक तो पेट मार्केट है गालिब स्ट्रीट, उधर जाके आप पता कीजिए, आपको मिल जाएगा। और हावड़ा का जो बंदा कोई भी बर्ड्स खरीदना चाहते हो, वो लोग उलबड़िया में एक तो हाट है, उधर जाके पता कीजिए, आप सबको मिल जाएगा। और बर्ड केयर रिलेटेड कुछ भी जानना हो, मतलब कुछ भी मतलब नहीं, मेरे को जितना आता है मैं वो शेयर करूँगा, आप फ़ोन कीजिए, उसके लिए ऑलवेज वेलकम। और एक चीज़, अगर कोई बंदा मेरा बर्ड विजिट बर्ड का फार्म विजिट करना चाहते हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं अपना फार्म विजिट करने के लिए ऑलवेज रेडी हो। और वो कोशिश कीजिए संडे हो, संडे 10 से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, संडे कीजिए। संडे होने से क्या है, हमको थोड़ा सुविधा होता है, और कुछ नहीं। और अदर्स कोई डे हुआ तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा, क्यों बहुत ऐसा बंदा है जिसको संडे टाइम नहीं होता, तो उनके लिए खास करके मैं अदर्स कोई डे भी मैं पॉसिबल करूँगा, बट एक्सेप्ट सैटरडे। सैटरडे कभी नाम होगा नहीं, एकदम नामुमकिन है मेरे लिए। ओके, आज का वीडियो इतना ही, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बहुत सा पर्सन को चाहिए तो अभी मैं बोल दे रहा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7980376775, 7980376775। और एक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, 9432341365, 9432341365। हाँ, किसी को भी मेरा ओपन एवियरी विजिट करना हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।